तो यहाँ पर मुकाबला शुरू करना है। थापोली क्रिकेट टीम का कप्तान जल्द से जल्द आपके फील्ड की सजा बड़ा आपको करनी है। मैदान के अंदर हम लौट चलते हैं। विहान खांडेकर दापोली क्रिकेट टीम के कप्तान जल्द से जल्द फील्ड की सजावट करें और वडवलिया क्रिकेट टीम के आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर आपको जल्द से जल्द भेजने। मुकाबला केवल 3 ओवर का है, इस पर भी आपको गौर करना है दोस्तों। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो 5:23 हो चुके और अभी तक हमारे इस मुकाबले के बाद 2 मुकाबले और बैलेंस होंगे। तो थोड़ा सा मैं आपसे सहयोग चाहिए, आपसे मदद चाहिए और आप हमें वो करेंगे, इसकी हम पूरी उम्मीद रखते हैं इस आन बान शान और शौकत से भरे आई गांव देवी ट्रॉफी में। तो यहाँ पर आए तमाम दर्शकों का, मंच के ऊपर मौजूद हमारे सभी मेहमानों का, सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। घर पर बैठे हमारे सभी दर्शक जो यूट्यूब के माध्यम से 24 लाइव इवेंट्स जिनके जरिए लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उन सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत दुनिया में हम लौट चलेंगे। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे। 3 ओवर का मुकाबला, 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके हैं। जागृति स्पोर्ट्स चेंज द गेम वडवली और उनके खिलाफ विहान खांडेकर 11 चयनमान दापोली। मुकाबला शुरू करने एम्पायर बहुत समय लिया जा रहे हैं। स्पीड अप, इसके बाद हमारे 2 मुकाबले बैलेंस है, थोड़ा सा सहयोग करें। तो यहां पर आए तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे और क्रिकेट की इस दिल धड़काने वाली दुनिया के अंदर हम लौट चलेंगे। कौन जीतेगा यह मुकाबला, कौन जाएगा टॉप 3 में, कौन पहुंचेगा सुपर 3 में, कई सारे सवाल जवाब ढूंढने के लिए मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे। स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज विकास पाटिल और उनका साथ निभा रहे करण धुले। पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया आकाश का, यह बड़ा छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार शुरुआत। आकाश तारेकर जो बल्लेबाज गेंदबाजी से शुरुआत कर रहे थे दापोली क्रिकेट टीम की, स्लॉट में गेंद दिखी और गेंद सीमा पर भेज दी 6 रनों के लिए शानदार शुरुआत। मुकाबला 3 ओवर का है तो रन रोकने होंगे यहां से, 45 से 50 रन हर हाल में बनाने हैं, क्या ऐसा होने देंगे आकाश तारेकर। ये पटकी भी गेंद करी थोड़ी सी स्लोर वन, गति थोड़ी सी गायब थी इस गेंद से, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई विकेटों के पीछे विशाल चीतेकर को भी हम देख सकते हैं। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, पिछली गेंद उछली थी ये गेंद नीचे रही, चकमा खा गए बल्लेबाज, चकमा खा गए विकेट कीपर, फिर भी इस गेंद को जब तक रोकने में कामयाब रहे थे तब तक 1 रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था, एक दूसरे को कॉल किया और सिंगल रन अर्जित किया। स्ट्राइक रन के ऊपर बल्लेबाज हम देख सकते हैं आइकॉन खिलाड़ी करण धुले जो जोवेली बदलापुर से बिलोंग करते हैं, पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी दिखाई थी, यहां पर भी बड़े स्ट्रोक की तलाश होगी। आकाश तारेकर तैयार, जबरदस्त गेंदबाजी, डायरेक्ट हिट का प्रयास, बड़ी मछली जाल में, रनआउट के रूप में विकेट खोएंगे करण धुले बैक टू द पवेलियन। तो इसी बीच यहाँ पर इस टूर्नामेंट को एंजॉय करने के लिए दृष्टि ऑप्टिक्स के ओनर रुपेश शेल के, इनका भी यहाँ पर आगमन होता है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे, रनआउट के रूप में विकेट खोना कितना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था जब दांपोली क्रिकेट मैदान के ऊपर थी गावटन टीम के खिलाफ, तब भी आकाश तारेकर को उन्होंने रनआउट के रूप में खोया था और वहां से प्रेशर बनाया था गावटन क्रिकेट टीम ने। अब करण धुले के आउट हो जाने के बाद तीसरे नंबर का खिलाड़ी इनेट नंबर थ्री कमलेश पाटिल, ये गेंद थी विकास पाटिल के लिए, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं करेंगे, विश्वजीत मात्रे, बैक टू बैक दूसरी सफलता दांपोली क्रिकेट टीम को, जबरदस्त गेंदबाजी दिखाई, पांच गेंदें फेंकी आकाश तारेकर ने और रन खर्च किए, टीम की टोटल रन संख्या सिर्फ 7 रन। नए बल्लेबाज ऋतिक पाटिल जो पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे, इनसे तलाश होगी, पिछले मैच के हीरो थे, एक बार फिर से हीरो बनने की तलाश होगी, सामने होंगे बाया और दाया हाथ का कॉम्बिनेशन भी नजर आएगा, सामने होंगे कमलेश पाटिल जो तीसरे नंबर के ऊपर उतरे हैं, अंतिम गेंद फेंकने के लिए तैयार होंगे आकाश तारेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी की जाएगी, अंतिम गेंद, पहले ओवर की टीम की रन संख्या रुकी भी रुक सी गई है 7 रनों के ऊपर, लेग स्टिक के बाहर से गेंद गुजरी, स्विंग करने की कोशिश, चकाने की कोशिश, लेकिन दिशा से भटक गया, अंपायर ने इशारा किया कि यह गेंद खराब फेंकी आकाश तारेकर ने, एक रन का हुआ इजाफा, टीम पहुंच चुकी है वडौली क्रिकेट टीम 8 रनों के ऊपर, अंतिम गेंद आकाश तारेकर एक बार फिर से तैयार, सामने होंगे कमलेश पाटिल, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में काफी देर तक लहरा रही है, खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, जब तक थ्रो पहुंचता तब तक तीसरे के लिए पलटे थे कमलेश और ऋतिक, लेकिन मना किया आखिरकार, अंतिम गेंद के ऊपर आए 2 रन, पहली ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 10 रन। दो खिलाड़ी इस सफर में अब तक खोए, क्योंकि पहले खोया था करण धुले जो आइकॉन खिलाड़ी है, रनआउट के रूप में विकेट गंवाना पड़ा और उसके बाद विकास पाटिल भी चलते बने थे। तो जो दर्शक हमारे मैदान के अंदर मौजूद है उन सभी से हम गुजारिश करते हैं कि आपको वहां से हटना है, और जो भी दर्शक हमारे मैदान के अंदर घुसे हुए हैं उस दीवार के करीब आपको रहना है दोस्तों, जो नीचे बैठे उनको भी वहां से उठना है, आपसे हम प्यार से गुजारिश करते हैं, दापोली क्रिकेट टीम के काफी समर्थक आपको गुजारिश करते दोस्तों आपको पीछे खड़ा रहना है, नहीं तो हमारे आयोजक वहां तक पहुंचेंगे। मैदान के अंदर हम लौटेंगे इस गेंद के ऊपर, 1+1 2 रन जरूर मिलेंगे, टीम की रन संख्या 12 रन, मुकाबला थोड़ा सा स्पीड अप करना है दापोली क्रिकेट टीम, गुजारिश करते हैं आपसे, गेंदबाज तैयार ऋषि भोईर, फुल टॉस गेंद आप नहीं कर सकते, ये खराब गेंद है, ये लॉलीपॉप था कमलेश पाटिल के लिए, बड़े छक्के के साथ समाप्त किया इस गेंद को, गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से दंदनाती भी छक्के के लिए, 6 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ेगी, टीम की रन संख्या 18 के ऊपर पहुंच चुकी है, पहली गेंद वाइड आई थी और उसके बाद आया छक्का, प्रेशर स्ट्रेट अवे ऋषि के ऊपर डाल दिया है, एक ओवर और एक गेंद के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 18 रन, मुकाबला केवल 3 ओवर का है तो यहां से रनों की तलाश है, कमलेश के लिए यह गेंद हल्के हाथों से धकेले, इस गेंद को जानबूझकर खेला गया ये स्ट्रोक, दूसरे के लिए आसानी से आएंगे, 2 रन का हुआ इजाफा, 2 रनों के मदद से 20 के ऊपर पारी पहुंची, रनिंग बिटवीन द विकेट आज के दिन हमने कमलेश की देखी है, रनिंग बिटवीन द विकेट हमने कमाल की देखी थी सांगड़े क्रिकेट टीम के आइकॉन खिलाड़ी सुमित दौड़े के, जिन्होंने 4-4 रन दौड़े इस विकेट के ऊपर और उतने तेजी के साथ दौड़े थे, तो ये संयम भी आपके अंदर होना बेहद जरूरी है, स्टैमिना भी होना बेहद जरूरी है, गेंदबाज तैयार कमलेश के लिए गेंद, कमाल का स्ट्रोक, विश्वजीत वहां पर मौजूद थे लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 1 बाउंस चौके के लिए, 4 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ेगी, टीम पहुंच चुकी है 24-24 रनों के ऊपर।
जागृति लेवन गेंद बस तैयार, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी जरूर तैनात थे लेकिन गेंद को बचा नहीं पाए, गेंद तक पहुंच नहीं पाए, दो रन का हुआ इजाफा। यदि पेड़ को गेंद लगी है तो केवल एक ही रन मिलेगा। अंपायर सिग्नल, फोर रन्स। मैदान के अंदर हम फिर से लौट चलेंगे दोस्तों, विहान खाडेकर 11 दापोली और उनके खिलाफ जागृति स्पोर्ट्स चेंज द गेम वडवली, इनके बीच में ये लड़ाई जा रही है। तो कमलेश के पारी का अंत होता वहां, ये बड़ा झटका लगा वहां पर वडवली क्रिकेट टीम को। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद अभी तक शेष होगी, तेज तर्रार गेंदबाजी हमने रूशी बोयर के माध्यम से देखी जो विहान खाडेकर 11 दापोली टीम से खेल रही है। जबरदस्त गेंदबाज है और अब तक रोक के रखा है इस ओवर में, टीम की रन संख्या 28, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंदबाज तैयार, एक बार फिर से होंगे ऋषि बोयर और उनके सामने बल्लेबाजी करेंगे स्ट्राइकर, इनके ऊपर बल्लेबाज शुभम पाटिल। ऋषि तैयार, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, एक रन जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा वहां पर कुछ नहीं है, एक ही रन। दो ओवर की भी यहां पर समाप्ति, दो ओवर के समाप्ति के बाद टीम की रन संख्या 29, 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जागृति स्पोर्ट्स चेंज द गेम वडवली क्रिकेट टीम, टॉस जीता वहां पर विहान खाडेकर 11 दापोली क्रिकेट टीम ने और पहली गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले दो ओवर गुजर चुके हैं, आकाश तारेकर ने पहले ओवर पे की 10 रन खर्च किए, दो एक सफलता उनके नाम के ऊपर रही। तो ऋषि भोयर जिन्होंने ओवर फेंका, जिन्होंने एक सफलता जिनके नाम के ऊपर रही और 19 रन उन्होंने खर्च करे। तीसरे नंबर के गेंदबाज होंगे संदीप चौहान। कमलेश की यदि बात करेंगे तो जिन्होंने 7 गेंदे खेली और 18 बनाए अपने टीम के लिए, अच्छे बल्लेबाज है, तेज तर्रार बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े छक्के लगाना जानते हैं, उनका काटा दूर किया। अब गेंदबाज संदीप चौहान तैयार, इसी के लिए तो ये खिलाड़ी जाने जाते हैं। इस खिलाड़ी की गेंद के ऊपर नजरें आपको जमानी होगी, नहीं तो ये आपको धोखा देकर चला जाएगा और यही किया इस गेंद के ऊपर, आसानी के साथ बीट किया बल्लेबाज को, डॉट गेंद की समाप्ति होती। ये अंतिम ओवर इस सत्र का और दूसरी गेंद यदि कीपर आपका क्लोज है तो यकीनन स्ट्राइक चेंज नहीं होगी, इस पर आपको गौर करना है। यदि गेंद विकेट कीपर से भी छिटकती है तभी आप दौड़ सकते हैं, नहीं तो आपको रन नहीं दिया जाएगा, इस पर भी आपको गौर करना है। तो दो गेंदें लगातार डॉट आई, इससे प्रेशर बढ़ा है बल्लेबाज शुभम पाटिल के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, इसी के लिए तो जाने जाते हैं, इसी तरीके के घुमाव के लिए जाने जाते हैं, स्विंग के लिए जाने जाते हैं, इसका तोड़ निकालना होगा, फुटवर्क अच्छा आपका होना बेहद जरूरी है इस तरीके की गेंदबाजी खेलने के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया था यहां पर, विकेट चटकाया, 4 गेंदे लगातार डॉट।
राहुल स्पोर्ट्स के ओनर आदरणीय राहुल जी मस्कर, इनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आइए आप हमारे मंच के ऊपर यहाँ से टूर्नामेंट को एंजॉय करो, जिनके माध्यम से हमें हर एक मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए स्पोर्ट्स टी शर्ट स्पॉन्सर करी गई है और मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी टी शर्ट स्पॉन्सर करी गई है। तो उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं राहुल मस्कर। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे, दो गेंदों का आना अभी भी बाकी होगा। नया बल्लेबाज इन एट नंबर 6 सुल्तान खान। बड़ा स्ट्रोक जरूर खेलना चाहते थे, एक रन चुराया बल्लेबाजों ने, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। दो ओवर में 29 जोड़े थे, इस ओवर की 5 गेंदों के ऊपर केवल सिंगल मिला है। अंतिम गेंद होगी 30 रनों के ऊपर, वडौली क्रिकेट टीम यहां से पहुंच चुकी है। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। ऑब्स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गेंद गुजरी, अंपायर का इशारा आया कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती भी 31 रन ऑन स्कोर कार्ड, 31 के ऊपर पारी यहां से पहुंच चुकी है। अच्छी शुरुआत हुई थी आकाश तारेकर के ओवर में, पहली गेंद के ऊपर छक्का दिखाया था विकास पाटिल ने, लेकिन वहां से इरादे बदले, वहां से मुकाबला बदला जब कमलेश पाटिल और करण धुले आउट हुए, विकास पाटिल चलते बने थे और उससे पूरी तरीके से मोमेंटम चेंज कर दिया। यहां पर संदीप चौहान की बात करेंगे, 5 गेंदों के ऊपर केवल सिंगल खर्चा था, उसके बाद लगातार 2 गेंदें वाइड आई, 32 रनों के ऊपर पारी यहां से पहुंच चुकी है। अंतिम गेंद होगी इस ओवर की, इस सत्र की। मुकाबला जारी है विहान खाडेकर 11 तापोली और चेंज द गेम वडवली, इनके बीच में मुकाबला जारी है। अंतिम गेंद जागृति स्पोर्ट्स चेंज द गेम वडवली क्रिकेट टीम के लिए। स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन अंपायर का कोई इशारा नहीं आएगा। अंपायर का इशारा तो आया, लेकिन ओवर की समाप्ति का, पारी की समाप्ति का, 3 ओवर की भी समाप्ति, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 32 और जीतने के लिए 11 के औसत से रन जोड़ने होंगे 33। तो निश्चित तौर पर हमारे मंच के ऊपर मौजूद हमारे आदरणीय मेहमान, हमारे स्पॉन्सर्स, तो हमारे दीपक भाई शेल के, इनसे हम गुजारिश करते हैं कि आइए आप यहाँ पर मंच के ऊपर, हमारे मंच के ऊपर राहुल मस्कर, राहुल स्पोर्ट्स के ओनर हमारे मंच के ऊपर मौजूद है, उनका आपको स्वागत करना है, जिनके माध्यम से हमें मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए ब्रांडेड स्पोर्ट्स टी शर्ट हमें स्पॉन्सर करी गई थी। तो उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी भी मेहमान नवाजी यहां पर की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अपनी शिरकत की राहुल जी मस्कर। मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों, 18 गेंद और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। मुकाबला जल्द से जल्द शुरू करना है, अब मजा आएगा इस मुकाबले में, क्योंकि हमने जागृति स्पोर्ट्स चेंज द गेम वडवली क्रिकेट टीम को देखा था, जिन्होंने पिछले मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए मुकाबला जीता था। तेज तर्रार गेंदबाजी करना उनकी खासियत है, उनकी विशेषता रही है और उन्होंने दिखाया था कि हम गेंदबाजी के बलबूते के ऊपर हम मुकाबला जीत सकते हैं और बामन डोंगरी क्रिकेट टीम को परास्त किया था। तेज तर्रार गेंदबाजी सुल्तान खान की हमने देखी, बिजली की तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस मुकाबले में विश्वजीत मात्रे, उस्मान पटेल, आकाश तारेकर, विशाल जीतेकर जैसे बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब रहेंगे। 18 गेंदे 33 की दूरी, विश्वजीत मात्रे के लिए खतरा, थोड़ी आगे गिरी गेंद, अच्छी कोशिश करी थी, बिल्कुल बाल बाल बचे वहां पर, जबरदस्त कोशिश करी थी। यह बड़ा खिलाड़ी है, पहली गेंद के ऊपर यदि आपको विश्वजीत मात्रे का विकेट मिलता है तो निश्चित तौर पर दबाव बढ़ सकता था। अब स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज होंगे उस्मान पटेल,
यॉर्कर लाइन के ऊपर गेंदबाजी, ये देखने लायक द्वंद्व है, ये देखने लायक युद्ध है। एक तरफ बिजली की तेजी तो दूसरी तरफ रायगढ़ का टाइगर उस्मान पटेल, दोनों के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, जंग छिड़ चुकी है। सभी दर्शकों की निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए। 33 की दूरी है, पहली दो गेंदों के ऊपर आए, दो सिंगल, स्ट्राइक रन के ऊपर विश्वजीत मात्रे। गति में मिश्रण किया, विश्वजीत मात्रे की निगाहें जम चुकी है। दैट इज अ बिग हिट, बड़ा छक्का निकला विश्वजीत मात्रे के बल्ले से। विहान खाड़ेकर 11 दापोली टीम का ये ताबड़तोड़ बल्लेबाज, पहली दो गेंदों के ऊपर दो सिंगल, उसके बाद आया छक्का, तीन गेंदे पूरी हो चुकी है और टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 9 के ऊपर। 33 रनों का टारगेट है, ये रास्ता माफ करना दोस्तों, 8 रनों के ऊपर पारी पहुंच चुकी है। 33 रनों का टारगेट है, पहले दो सिंगल के बाद आया था छक्का, तीन गेंदें पूरी हो चुकी है। गेंदबाज तैयार इस ओवर की चौथी गेंद लेकर सुल्तान खान। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार सुल्तान खान के सामने बल्लेबाजी करते हुए क्या कमाल की बल्लेबाजी, दो गेंदों के ऊपर दो बड़े छक्के और टीम का स्कोर रफ्तार से पहुंचा दिया है 14 रनों के ऊपर। टीम की रन संख्या 14 रन, 33 रनों की दूरी थी, 33 रनों का टारगेट था, ये रास्ता ये सफर किस प्रकार का होगा, सुल्तान खान तैयार। ये काफी ज्यादा तेज रफ्तार थी गेंद हवा में, खुद सुल्तान गेंद तक पहुंच नहीं पाएंगे, एक ही रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। उस्मान ने भी मना किया अबे ने वहां पर, एक रन की मदद से 15 के ऊपर पारी पहुंची है। पहली ओवर की अंतिम गेंद शेष होगी, सामने होंगे उस्मान पटेल। उस्मान की यदि बात करेंगे, पिछले मुकाबले में खामोश थे, इस मुकाबले में क्या बड़े छक्के दिखा पाएंगे। ये तेज तर्रार गेंद थी लेकिन लेग स्टिक के बाहर से गेंद गुजरी अंपायर।